हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम आंकलन कार्य पत्र दो करेंगे, हिंदी का क्लास 8 का, जो कि है 4 सितंबर का। तो आज हम बदलू पे रिलेटेड एक गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उत्तर देंगे। तो पहले 4 क्वेश्चन 1 अंक के हैं, अगले 2 2 अंक के हैं, और 7 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्न 3 अंक के हैं। तो अब प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चार पाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? लेखक ने। कुछ देर फिर शांति रहती है। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, उन्होंने इधर उधर देखा, ना तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई, ना ही बट्टी। ना तो लेखक को उनकी मच्छिया नजर आई और ना ही बट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, वो पूछते आजकल आप काम नहीं कर रहे काका? तो काका कहते नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो, गांव गांव तो कांच की चूड़ियों का प्रचार चल रहा है। वह कुछ देर और चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से ही होने लगे हैं। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कैसे संभव। लेकिन कांच बड़ा ही खतरनाक है, बड़े जल्दी टूट जाता है, लेखक ने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, लल्ला से कहते हैं जो लेखक को कि ये तो नाजुक है ही। कहते कहते उन्हें खांसी आती और वह देर तक खांसते रहे। फिर लेखक सोचते हैं उन्हें दमा हो गया। अवस्था के साथ साथ उनका शरीर भी ढल चुका था, इसलिए उनके हाथ पैर और माथे की नस भी उभर आ चुकी थी। अब बदलू जब कहते हैं जाने कैसे, जो लेखक है वो कहते हैं उसने जान लिया कि उन्हें क्या लग रहा है। तो जो लेखक है वो कहता है कि अरे लगता है इनको दमा हो गया, वो सोचता है। पर बदलू उनकी शंका को पहचान जाता है, फिर वो बोलता है, बदलू दमा नहीं है मुझे, बस फसली खांसी है, यही 2-3 महीनों से आ रही है, 10-15 दिन और लगेंगे फिर ठीक हो जाएगी। फिर लेखक चुप रह जाते हैं। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि कितने लोगों ने इस मशीनी युग में कितनों के हाथ काट दिए हैं। अब प्रश्न, दृष्टि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? नेत्र। व्यथा शब्द का अर्थ दुख। काका शब्द का स्त्रीलिंग शब्द काकी। चारपाई का चारपाइयां। अनुच्छेद में 2 संज्ञा शब्द, एक तो हो सकता है मशीन, हाथ, बदलू, ये सब हो सकते हैं। अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए, खतरनाक और सुंदरता। अब काम बंद होने को लेकर लेखक ने क्या उत्तर दिया? लेखक ने क्या उत्तर दिया? बदलू ने उत्तर दिया कि बदलू का काम कई सालों से बंद है, क्योंकि गांव में सभी कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो सका है, जिस कारण उसका काम बंद हो गया। तो इस तरह से लेखक को बदलू ने उत्तर दिया। अब बदलू के अंदर कौन सी व्यथा छुपी थी? कैसी व्यथा छुपी थी? बदलू के अंदर यह व्यथा छुपी थी कि जो उसका पैतृक पेशा था अब वह बंद हो चुका था, तो वह कैसे इस पेशे के साथ अपनी जिंदगी जिएगा। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। बदलू का काम मंदा क्यों हो गया था? क्यों हो गया था? कांच की चूड़ियों के प्रचलन के कारण बदलू का काम मंदा पड़ गया था। इस मशीन युग ने कितनों के हाथ काट दिए? लेखक के इस कथन का आशय कीजिए। जो वस्तु पहले बिना मशीन से बनती थी, अब उनका मशीन से प्रयोग करके बनाने जाने लगा, जिसके कारण कई लोग बेरोजगार हो गए, अथवा कई लोगों को जो मशीनी युग है इसने बेरोजगार कर दिया। तो इस तरह से आप ये असाइनमेंट वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।